मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया की समझाइश के बाद बीते 22 जुलाई से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर सिसोदिया के निवास पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बिना शर्त की हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री डॉक्टर सिसोदिया ने संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों को उनकी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। आज मैं 16 दिन से चली आज जो कर्मचारियों की हड़ताल थी वो मेरे आश्वासन के बाद, और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो उनकी जो जायज मांगे हैं जो स्वीकार करने योग्य उसको निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करेंगे, और जो अन्य उनकी मांगे हैं उस पर भी हम विचार करेंगे और समय आने पर उनको भी पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। और मेरे इस आश्वासन पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हमारे सदैव से कर्मचारी हितैषी रहे हैं, और उनकी बात को रखते हुए, मेरे सम्मान को रखते हुए आज इन्हीं संगठनों ने अपनी हड़ताल बिना किसी शर्त के वापस करने समाप्त करने का ऐलान किया।